कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी प्रीति का रंग गोरा था, इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे। प्रीति बहू, सारी साड़ियां बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। तो और क्या, शशि भी तो देखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल ननद जी पर गया है। माँ जी, ये मैंने साड़ी सोची थी कल शशि भैया की बारात में पहनने के लिए। अरे बहू, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो प्रीति बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी मेरी एक हेल्प करो, सुरमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सुरमा भराई रस्म के लिए भेजा है, देवर जी लगवा लेते। प्रीति भाभी मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, जरा देवर जी के लिए गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी, मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सामने क्या लिखा है, काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। ये कैसे हो सकता है, देखूं क्या एक बार। ये तो कोई दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है, हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है। काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं क्या। नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी, तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई दर्पण के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कलावती जी की बहू कोमल है ना, ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टे तवे जैसी काली थी पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे, मैं कोमल हूँ, इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो। कोमल घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है, आप कौन है। ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखो तो। माँ जी मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। कोमल, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया, तू बाजार गई थी या दूसरे लोक से दोबारा जन्म लेकर आई है। कोमल, आखिर कौन सा चिराग का जिन्न मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी।
आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थी, आज जब मेरा रंग गोरा हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल देना, पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये कोमल बहू ही है ना, कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई? जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, आज तो वो सातवें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है, हमें भी तो दिखाइए आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से, कोई इतनी हूर की परी नहीं बनाई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था माँ जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते थे। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते, वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आपके आगे और क्या प्लान है, आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीति परेशान हो रही थी। सुबोध, वो मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए है, आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं, मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूं, यहां तो सासू माँ के साथ घर के काम कर करके पिसी जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति सूरज के साथ मायके चली जाती है। सुबोध को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है, माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है, सुबोध भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है, आज अमावस्या की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, बस ये रात कट जाए कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं, कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है माँ जी जल्दी सो गई, लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है, मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ मेरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो चुका है, लगता है जादुई दर्पण के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है, मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ, अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? माँ जी, माँ जी, हे भगवान, सीने में दर्द, आह कोमल बहू, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है। कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है, तेरा तो मन बहुत साफ है, तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई, तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।